वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स फॉर जनवरी 2017 जैन। अब वन बाय वन में ट्रांजैक्शन रीड करूंगा। क्या है, कैश इन हैंड 3500। तो कैश इन हैंड 3500, यहां पे लिखूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3500। अब नेक्स्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट 2300। तो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट 2300। क्या है 2300, इसका मतलब क्या है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक। तो नेक्स्ट क्या है, थर्ड जैन परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज किए गुड्स थर्ड जैन को बाय परचेज अकाउंट कितना, सॉरी परचेज गुड्स फॉर कैश अमाउंट इज 1200। नेक्स्ट क्या है, पेड वेजेस फिफ्थ जैन पेड वेजेस 200। तो बाय वेजेस अकाउंट 200। नेक्स्ट कैश सेल्स 8000 टेंथ जैन टू सेल्स अकाउंट क्या है 8000 कैश सेल्स है। नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6000। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में अमाउंट होगी कितना है अमाउंट 6000। और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट कितना है 6000। अब अमाउंट क्या, डेट कौन सी है, डेट इज 15 जनवरी। और ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। नेक्स्ट 22nd सोल्ड गुड्स फॉर चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू से बैंक ऑन सेम डे। मतलब जो चेक मिला था सेम डे के दिन हमने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। तो उसकी एंट्री हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सेल्स की एंट्री लिखेंगे। तो कैसी एंट्री लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट 2000। क्या है, टू सेल्स अकाउंट 2000। कौन सी डेट है, 22nd। नेक्स्ट पेड रेंट बाय चेक 1200। पेड रेंट बाय चेक बाय रेंट अकाउंट कितना है, सॉरी अमाउंट इज थाउजेंड। और डेट कौन सी है, डेट इज 25th। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज 1000 रुपीज ड्रॉ किए बैंक से पर्सनल यूज के लिए। तो 28 बाय ड्रॉइंग अकाउंट और पर्सनल यूज के लिए कितना 1000 रुपीज बैंक से लिए, तो मैंने 1000 रुपीज बैंक में लिखा। नेक्स्ट बॉट गुड्स बाय चेक 1000 रुपीज, मतलब परचेज किया चेक से। यहाँ पे क्या लिखूंगा, परचेज अकाउंट और चेक से कितना है, अमाउंट इज 1000 रुपीज। कौन सी डेट है, डेट इज 31st। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बैलेंस निकालेंगे। तो क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। तो इस साइड का टोटल 8000 और इस साइड का टोटल 5300। 8000 और 5300, तो बैलेंस इस साइड आएगा बाय बैलेंस सीडी कितना होगा, 007 और यहाँ पे 7 माइनस 2700। ये निकला हमारा बैंक का बैलेंस। अब हम करेंगे इस कैश साइड का टोटल क्या होगा, 3500 प्लस 8 तो होगा 5 प्लस 8 तो 8000 है। क्या है, 8000 है। तो क्या होगा, 8000 12500 क्या होगा 12500
11,500। इस साइड का टोटल क्या है 1,206,000 और होगा 7,400। 0011 माइनस 7 तो यहाँ पे होगा 4। क्या आएगा 4,100। तो ये हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब मैं आंसर वेरीफाई करूँगा क्या है। तो क्या है यहाँ पे 2,700 आ रहा है, मतलब हमने कोई अमाउंट या तो कोई मिस्टेक किया है, तो हम चेक करेंगे फिर से एक बार, वेरीफाई कर लूँगा मैं। तो कैश 3,500, ओवरड्राफ्ट 2,300, फिर क्या है परचेज कितना है 1,200 लिखा है सही है, फिर वेजेस 200 राइट है, कैश सेल्स 8,000 राइट है, फिर है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6,000 राइट है, फिर है सोल्ड गुड्स फॉर चेक विच वॉज डिपॉजिट वो भी राइट है 2,000, फिर है पेड रेंट बाय चेक तो क्या है 1,000, तो यहाँ पे दिया 1,200, मतलब हमने यहाँ पे गलती किया। क्या है ये अमाउंट या क्या आएगी 1,200। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 2,500 और इधर का इस साइड का टोटल क्या है 11,500। क्या है 11,500। तो आप जब भी ये आपका क्वेश्चन हो तो एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि आप क्या है एंट्री लिखने में कभी कभी अमाउंट भी गलती से गलत लिख दोगे तो क्या होगा, अपना आंसर रॉन्ग आएगा।